दिस इज हैमर, इसे हम क्लिनिकल हैमर, रिफ्लेक्स हैमर, पटेलर हैमर और नी हैमर कहते हैं। इसका यूज न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में किया जाता है, जिसका यूज टेंडन रिफ्लेक्स को एलिसिट करने में किया जाता है, विच डिपेंड्स ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ अ पर्टिकुलर नर्व पाथवे। इसमें एक लॉन्ग मेटेलिक हैंडल होता है, इसका एक एंड होता है जिसमें कि रबर पीस होता है, जिसका ब्रॉड एंड और नैरो एंड होता है। ब्रॉड एंड का यूज हम उस मसल के लिए करते हैं जिसकी बेली ब्रॉड होती है और थिन होती है, लाइक ट्राइसेप्स मसल, और नैरो एंड का यूज करते हैं जो स्ट्रॉट टेंडन होता है या नैरो टेंडन होता है, लाइक बाइसेप्स मसल। इसके हैंडल को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें एक पॉइंटर होता है, इसका यूज सुपरफिशियल पेन के लिए किया जाता है, लाइक पेन प्रिक इन सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन, या फिर सुपरफिशियल रिफ्लेक्स के लिए किया जाता है, जो प्लांटर रिफ्लेक्स के लिए किया जाता है। फिर जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें एक ब्रश होता है, ब्रश का यूज सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन में टच सेंसेशन के लिए किया जाता है, जो नायलॉन हेयर का होता है।